Hello friends, welcome to BSR Physics. Today our topic is relationship between the EMF and potential difference. उसकी भी इसका हमको relationship निकालना है. तो हमने अगले वीडियो में हमने EMF के बारे में हमने देखा, then हमने एक terminal potential के बारे में हमने देखा, but उसकी relationship के बारे में भी आपको समझना है, ठीक है? ओके, तो वो स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की उसका हम लिस्ट बना देते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड किया था करंट I इज इक्वल टू डेल्टा के अपॉन डेल्टा टी, देन आपने करंट डेंसिटी J इक्वल टू I अपॉन A, देन आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इज इक्वल टू EE अपॉन M इनटू टाउ, टाउ इज द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम. देन आपने हमने फाइंड आउट किया था ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, देन आपने एक करंट व ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशनशिप I इज इक्वल टू NE VD, देन आपने J इज इक्वल टू NE VD, मोबिलिटी μ इज इक्वल टू VD अपॉन E. ओके, देन आपने हमारा इसके टेम्परेचर पे इफेक्ट है हमारा कौन कौन सा मटेरियल में उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है वो भी हमने डिराइव किया था. पहले तो रेजिस्टिविटी क्या है कि भाई आर इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो दैट आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, सो दैट रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इट इज नोन एज द रेजिस्टिविटी ओम इनटू मीटर. ओके, तो उसका इक्वेशन हमको क्या मिला लास्ट में, रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल मिला. ओके, जो उसकी जो रेजिस्टिविटी है अगर हम मेटल के कंड मीन्स के टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, वो इलेक्ट्रोलाइट में डिक्रीज होती है, सेमी कंडक्टर में भी डिक्रीज होती है और इंसुलेटर में भी डिक्रीज होती है, बट अलॉय में कोई भी चेंजेस नहीं होता. इसलिए हम उसको एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए और एक प्रैक्टिकल लैब में हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, देन आप हमने सीरीज और पैरेलल कनेक्शन रेजिस्टेंस का देखा था, सीरीज कनेक्शन करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है और पैरेलल कनेक्शन करने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और सीरीज में कनेक्शन करने से उसका पोटेंशियल मीन्स का डिवाइड होता है, बट करंट इज सेम, और पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है और करंट उसका डिवाइड हो जाता है, ठीक है? ओके, ध्यान आप हमको स्टडी हमने स्टडी किया हुआ था उसका मीन्स के इक्वेशन, हमारा जो टेम्परेचर का इंक्रीज करने से उसकी रेजिस्टिविटी कितनी इंक्रीज होती है, तो हमारा इक्वेशन था आर इज इक्वल टू आर नॉट वन प्लस आल्फा डेल्टा टी. व्हाट इज द आल्फा, आल्फा इज अ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी. ओके, और एलोइंग मटेरियल की थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी होती है जीरो. देन आप हमने एक किरचॉफ का फर्स्ट रूल और सेकंड रूल हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई फर्स्ट रूल हमको बताता है जंक्शन रूल है, वो एक करंट रूल भी है, तो उसका जो स्टेटमेंट था वो क्या था, एट दी जंक्शन पॉइंट समेशन ऑफ दी ऑल दी करंट इज जीरो. एंड देन आपने एक सेकंड जो रूल्स है वो एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, तो उसका इक्वेशन क्या था कि भाई अनिटी क्लोज लूप द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो, मीन्स के समेशन वी इज इक्वल टू हमको जीरो मिल रहा था, ठीक है? तो किरचॉफ का रूल्स का यूज करके आप कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. ओके, देन आप हमने एक मिक्स कॉम्बिनेशन भी देखा था, तो मिक्स कॉम्बिनेशन में आप मीन्स के किरचॉफ का रूल्स भी आप लगा सकते हो. देन आप हमने विस्टम ब्रिज देखा था, तो विस्टम ब्रिज का जो इक्वेशन मिल रहा था हमको आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू आर थ्री अपॉन आर फोर, अगर वो सेटिस्फाइड हो तो हमारा विस्टम ब्रिज एक बैलेंसिंग कंडीशन पे है, अगर वो बैलेंसिंग कंडीशन पे होगा तो गैलोनोमीटर रीडिंग हमारा बताएगा भाई जीरो रीडिंग बताएगा, ठीक है? ओके, देन आपने उसकी उसका जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल को यूज़ किया हमने मीटर ब्रिज में, और मीटर ब्रिज हमारा एक प्रैक्टिकल मिस के होता है, आप वो प्रैक्टिकल भी करने वाले हो. ओके, तो प्रैक्टिकल है उसका हमने मिस का कंस्ट्रक्शन भी देखा था और उसका वर्किंग भी हमने स्टडी किया हुआ था. ओके, देन आप हमने स्टडी किया था कि भाई ई एम एफ हम किसको बोलते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस हम किसको बोलते हैं, कि भाई ई एम एफ हम किसको बोलेंगे कि भाई हमारा जो चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को एक कंप्लीट वन रोटेशन करने के लिए आपने जितना वर्क डन किया दिस वर्क डन इज नॉन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट टर्मिनल वोल्टेज हम किसको बोलते हैं कि भाई नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल पे लाने के लिए आपने कितना वर्क किया हम उसको बोलते हैं कि टर्मिनल मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस, तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी कि भाई ई एम एफ की वैल्यू ज़्यादा होगी और टर्मिनल पोटेंशियल की वैल्यू उससे कम होगी. और अभी आपको स्टडी करना कि भाई ई एम एफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप, और ध्यान आपने हमने वो भी स्टडी किया हुआ था कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, तो हमने देखा था कि भाई हमारा जो नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के पास, और नेगेटिव आयन इसके वो ऐसे का ट्रैवल करता है वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में, तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के पास एक पॉजिटिव आयन भी होती है, तो वह क्या करती है उसका अपोज करती है, ठीक है? तो हमारा जो मीन्स के दो इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन के बीच का हमने गैपिंग ज़्यादा रख दिया, मीन्स के उसके बीच का डिस्टेंस हमने ज़्यादा रख दिया, तो रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा. देन आप उसका रेजिस्टेंस हम कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, हमारा जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा डीप कर देंगे तो उसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा, और एरिया इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है. देन आप उसका टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल की जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी,
तो हमारा मिस्टेक जो नेगेटिव आयन है वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। ऐसा उसका हमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी हमने देखा था, ठीक है। तो ऐसे सारे इफेक्ट आपका रेजिस्टेंस का आपने इफेक्ट स्टडी किए हुए थे। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने आगे उसकी एक डेफिनेशन आपने स्टडी की हुई थी, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल की डेफिनेशन आपने क्या लिखी थी, इट अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग वन यूनिट चार्ज। एक आपका एक वन यूनिट चार्ज है और रोटेटिंग करने के लिए इसका आपको कंप्लीट वन साइकिल आपको कंप्लीट करनी है, इसलिए आपका जितना वर्क डन कर रहे हो वो अमाउंट ऑफ वर्क डन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम बोल सकते हैं। तो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन में क्या लिखा था, देखिए कि भाई वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज व्हाइल द मूविंग फ्रॉम द वन टर्मिनल ऑफ बैटरी टू अदर। चलाया तो आपको वन टर्मिनल बैटरी टू अदर टर्मिनल आपको ले जाना है, इसके लिए आप कितनी एनर्जी उसको दे रहे हो, इसके लिए आप कितना उसको वर्क कर रहे हो, और सभी को क्या हम बोलेंगे भाई, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी हमको इन दोनों का रिलेशनशिप हमको निकालना है। तो पहले तो हम वो देखते हैं कि भाई हमारा जो सेल होता है, तो सेल का मीन्स के जो सर्किट होती है, तो सर्किट का सिंबल क्या होता है, सेल का सिंबल क्या होता है। तो सेल मीन्स के एक सिंपल सा एक बैटरी जैसा ही होता है, ऐसा कि भाई एक प्लेट लंबी होती है, एक प्लेट छोटी होती है, उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। बट सेल में उसके पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है R, ठीक है। तो ऐसे हमको पूरी सिस्टम को हमको ऐसे एक बॉक्स में ड्रॉ कर देना है। तो ये जो सिंबल है वो सिंबल किसका है, सेल का सिंबल है, ठीक है। हमें पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। और सेल के पास एक इंड्यूस EMF भी होता है, ठीक है। तो ए वाला सिंबल को हम क्या बोलेंगे भाई, एक सेल बोलेंगे। ओके, तो ए वाला टर्मिनल हमारा हो गया पॉजिटिव टर्मिनल और ये टर्मिनल हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल। और उसके साथ हमने एक यहाँ पे लगा दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, कैपिटल R। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, उसको हम एक लोड रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो उसका रेजिस्टेंस होता है कैपिटल R। ओके, देना पर हमको क्या फाइंड आउट करना है कि जो हमारी ये पूरी सर्किट है, तो पूरी सर्किट का करंट क्या होगा। करंट तो सेम ही होने वाला है, चला है, क्योंकि एक कैसी सीरीज है, देखिए कि इसके सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन में हमारा करंट क्या हो रहा है, सेम होगा। ओके, तो करंट इन द सर्किट हम नेक्स्ट हम करंट उसका फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टोटल करंट इन द सर्किट, भाई करंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ओम्स लॉ का इक्वेशन आपके पास अवेलेबल है, ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या आएगा, I इंटू R। तो आपको करंट फाइंड आउट करना है ना, तो I इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हो। बट यहाँ पे V के बदले आपको EMF दिया है, तो आपको EMF लिख दीजिए। और R ए इक्विवेलेंट होता है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, दो रेजिस्टेंस है, वो दोनों रेजिस्टेंस आपको कैसे दिए हुए सीरीज में, तो सीरीज का इक्विवेलेंट क्या होता है, R प्लस R होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R प्लस R हम लिख सकते हैं, ख्याल आया। ओके, टेन ऑपरेटर हमको क्या फाइंड आउट करना है, कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, कि भाई आपका चार्ज यहाँ से जाएगा, ये आपका टर्मिनल है नेगेटिव टर्मिनल, और टेन ऑपरेटर ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल। तो आपका चार्ज मीन्स के नेगेटिव टर्मिनल में से जाएगा ऐसे, और ऐसे आके यहाँ पे वापस आ जाएगा। तो इसलिए इसके लिए आपने कितना वर्क किया उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम बोलते हैं, टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पहले तो आप बताएं कि भाई करंट की डायरेक्शन क्या आएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में आएगी, तो आपका करंट मीन्स के ऐसे फाइंड आउट होगा ऐसे, ठीक है। ओके, ये करंट आपने यहाँ पे निकाल दिया कि भाई EMF R प्लस R आएगा। ओके, देन आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हो तब आपके रास्ते में कौन सा रेजिस्टेंस आता है, कैपिटल R आता है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, भाई यहाँ से करंट कितनी आ रही है, I आ रही है, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। वो हम लिख देते हैं यहाँ पे कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V। तो V इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, I इंटू R लिखेंगे, ठीक है। ओके, देन आप हमको क्या निकालना है, EMF। तो आपको EMF निकालना है, तो पूरी सर्किट ही आपको लेनी पड़ेगी, ख्याल आया। तो हम क्या कर देते हैं, देखिए किरचॉफ का यहाँ पे सेकंड रूल आप लगा सकते हो, ख्याल आया, किरचॉफ का सेकंड रूल भी लगा सकते हो। कहा तो मना आप क्या कर सकते हो कि भाई पूरी सर्किट का EMF कितना है, EMF है। तो E इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए करंट आपकी AC जाएगी, तो I R
प्लस है, ये अभी भी आपकी करंट जा ही रही है, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनल मीन्स के बैटरी की इनसाइड आपकी करंट कैसे जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और बैटरी की आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसी जाती है, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है तब उसमें कौन सा रेजिस्टेंस आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉल मीन्स के आई इंटू स्मॉल आर। करंट तो क्या रहने वाली है, सेमी रहने वाली है ना, इनसाइड द सेल और आउटसाइड सेल करंट में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। ओनली फॉर क्या चेंजेस आएगा कि भाई ये लोड रेजिस्टेंस है और एक स्मॉल रेजिस्टेंस मीन्स के इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन किसका बन गया, ईएमएफ का इक्वेशन बन गया। देखिए ये इक्वेशन आप किरचॉफ का सेकंड रूल पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे कि भाई ए पॉइंट का मैं नाम दे देता हूँ कि भाई ए बी सी एन डी। ओके, आपको कोई मीन्स के करंट का फ्लो की आपको डायरेक्शन आपको फाइंड आउट करनी है, कोई भी आप डायरेक्शन आप कंसिडर कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर की हुई है ए बी सी डी ए, आप ऐसे जा रहे हो, ए बी सी डी ए आप ऐसे जा रहे हो, ठीक है। और आप जा रहे हो और रास्ते में आपकी पॉजिटिव प्लेट आई तो आपको क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव, तो आपने यहाँ पे ई लगा दिया। ओके, और करंट आपकी अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, एसी आ रही है। ओके, करंट आपकी एसी आ रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस आई आर। और यहाँ पे भी आपकी करंट की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, आई आर इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों माइनस है तो माइनस है, इसलिए हम उससे ले जाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, ऐसा ये इक्वेशन हमको मिल गया, ठीक है। तो आप किरचॉफ का सेकंड रूल का इक्वेशन का यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कि भाई आई आर क्या है हमारा, आई आर तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। तो आई आर इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, तो ई इज इक्वल टू वी प्लस आई आर फाइंड आउट हो गया। तेरा प्रॉब्लम को क्या निकालना है कि भाई हमको निकालना है एक टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी को हम सब्जेक्ट ही बना देते हैं, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि भाई आई आर यहाँ पे चला जाएगा तो ई माइनस आई आर। ओके, तो अब बताए कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी या ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। देखिए इन दोनों का इक्वल टू यहाँ पे लिखा है, बट आपका पोटेंशियल डिफरेंस कब इक्वल टू होगा, जब ईएमएफ से ईएमएफ की वैल्यू में से आई आर जितना सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपकी कौन सी वैल्यू लार्ज हो गई, ईएमएफ की वैल्यू लार्ज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे आपका सेल का क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, क्योंकि आपके सेल के साथ में आपने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर लगा दिया है, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपने आर लगा दिया है, तो आपका ईएमएफ मीन्स के आपका जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है। चल रहे आपके सेल के बारे में आपने स्टडी की कि भाई सेल के पास क्या होती है कि केमिकल एनर्जी होती है, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो यहाँ से आपका चार्ज, उसके पास केमिकल एनर्जी है, उसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट एसी जाएगी और यह रेजिस्टेंस में से पास आउट हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो उसमें उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी भाई, लॉस्ट हो जाएगी, उसके केमिकल एनर्जी का हमने यूज कर लिया एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। चल रहे तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये उसका रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ। दिस इक्वेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, ये किसका इक्वेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस और ई एम एफ की इसका इक्वेशन है। और आपको क्या याद रखना है कि भाई जब आपका डिस्चार्ज होता है, जब आपका सेल का डिस्चार्ज होता है, तब ई एम एफ इज ऑलवेज लार्जर देन द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या रहा है। ओके, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस भी उसका बना देता हूँ कि भाई टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ई एम एफ, आप ऐसा भी लिख सकते हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो और वोल्टेज भी लिख सकते हो, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ईएमएफ, ठीक है। बट वो कौन सी कंडीशन में ऑलवेज स्मॉलर देन होगा, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी तब। ओके, तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ कि भाई आपकी जो फर्स्ट केस आपने देखा, तो फर्स्ट केस में आपने क्या देखा कि भाई आपकी बैटरी क्या हो रही थी, बैटरी डिस्चार्जिंग हो रही थी, वर्क गेटिंग डन। ओके, तो उसका वर्क आपने देखा, आपकी सर्किट कैसी थी। देखिए मैं यहाँ पे वापस में ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि आपका पेज तो चेंज हो गया। ओके, यहाँ पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था और यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस लोड था कैपिटल आर, दिस इज अ स्मॉल आर, दिस इन यू सी एम एफ, दिस पॉजिटिव और नेगेटिव और दिस कैपिटल आर। ओके, ऐसा आपका इसके सर्किट अवेलेबल थी। पहली करंट आपकी एसी जा रही थी, ठीक है, आई करंट आपकी जा रही थी। और सेकेंड आपकी कंडीशन क्या है कि भाई आपकी जो सर्किट है ना, ये आपकी सर्किट में क्लोज सर्किट है, बट मैं क्या कर देता हूँ, सर्किट को मैं ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्विच लगा देता हूँ, ठीक है। तो इस स्विच को मैं ओपन कर देता हूँ, तो उस सर्किट को हम क्या बोलेंगे भाई, ओपन सर्किट बोलेंगे। तो सर्किट इज ओपन व्हेन सर्किट इज ओपन, नो यूज ऑफ बैटरी
तब आपका बैटरी का कोई यूज नहीं होगा। सो द आई इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा भाई, जीरो। यहाँ से स्विच आपकी ओपन है तो कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर करंट का फ्लो नहीं होगा तो ए वाली केस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन निकाला था, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस और ई एम एफ चलाया। बट मैं आपको क्या बताता हूँ कि भाई आपके पास बैटरी अवेलेबल है, आप मार्केट में से बैटरी परचेस करके करने के लिए जाते हो, तो आपको बैटरी कैसी दिखेगी कि भाई ऐसा आपके पास एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और दूसरा एक नेगेटिव टर्मिनल होगा, बट उसकी इनसाइड और उसके ऊपर लिखा हुआ होगा कि भाई उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 5 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट होगा, बट आप इंटरनल रेजिस्टेंस उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है और उसकी इनसाइड टोटल ईएमएफ कितना है, वो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ईएमएफ आपको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ए वाला इक्वेशन, आपको V इज इक्वल टू E फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहा तो आपको बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आपको जीरो करना पड़ेगा, कहा तो आपको एक करंट की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। बट आप बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल पर डिपेंडेंट है, बट आपकी जो बैटरी है वो विदाउट इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के बिना तो बन नहीं सकती है, चलाया, H2SO4 के बिना तो वह नहीं बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस तो रहेगा, बट आप क्या कर सकते हो, I इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो। तो ऐसा आपने यहाँ पे ओपन सर्किट कंडीशन कर दिया और I इज इक्वल टू आपने जीरो कर दिया। ऐसी कंडीशन हम पोटेंशियो मीटर में भी हम स्टडी करेंगे। पोटेंशियो मीटर ऐसा एक ओपन सर्किट कंडीशन है, हम कोई भी एक दूसरे तरीकों से भी हम I की वैल्यू हम जीरो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी I की वैल्यू जीरो हो गई तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ। तब हमको जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताएगा वही हमारा क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ होगा। कब ऐसा होगा, जब मिसके आपके सर्किट का करंट I इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तब। ऐसी कंडीशन हम आगे पोटेंशियल मीटर में देखने ही वाले हैं, तब हम डिप में चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे अभी आपको यही याद रखना है कि हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बैटरी की इलेक्ट्रोलाइट के बिना नहीं बन सकती है, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक ओपन सर्किट हमने कर दिया तो हमारा करंट जीरो हो गया। सो देट हम क्या मान लेंगे, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या बन गया, इंड्यूस ईएमएफ बन गया। तो अभी आपने क्या बोला था कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्मॉलर देन द इंड्यूस ईएमएफ, बट ए वाले केस में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। ओके, तो आपने जो पहली कंडीशन देखी वो कौन सी थी, डिचार्जिंग कंडीशन थी, आपकी बैटरी में से आपकी एनर्जी का यूज हो रहा था। तो अब वन टाइम ऐसा आएगा कि भाई आपकी बैटरी के पास इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल खत्म हो जाएगा, चला है इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आपका H2SO4 इसके फिनिश हो गया, तब आपकी बैटरी क्या हो जाएगी, डिचार्ज हो जाएगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चार्ज करना पड़ेगा। उसको चार्ज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी आप कैसे सप्लाई करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि भाई ये आपकी कोई एक बैटरी थी, ठीक है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस एक 4 वोल्ट का था। ये उसका टर्मिनल है और एक दूसरा उसका टर्मिनल, ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव है और एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। और ऐसे आपने उसके साथ एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ था, दिस रेजिस्टेंस इज आर, वो कंटिन्यूसली वो मीन्स के यहाँ से चार्ज का फ्लो हो रहा था और ये बैटरी का मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल उसका खत्म हो रहा था। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आप किसका यूज कर रहे थे, H2SO4। तो H2SO4 में से एक H2O बन रहा था, देन आफ्टर एक दूसरा कोई बनेगा आपका और एक प्लस आपकी एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, केमिकल एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। तेना पर मैंने क्या किया, देखिए कि भाई ये आपकी बैटरी है ना, वो बैटरी डिचार्ज हो गई, तो मैंने क्या किया कि भाई उसका पोटेंशियल 4 वोल्ट का है, तो मैंने यहाँ पे दूसरा मिसके बैटरी लाया, तो हम उसको चार्जर भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, चार्जर, जो बैटरी को चार्ज करने वाला जो डिवाइस है हम उसको क्या बोल सकते हैं, चार्जर बोल सकते हैं। ये चार्जर आपके एक दूसरी बैटरी भी हो सकती है, कहा तक आपका इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्ट आप पावर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो चार्जर का में जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, तो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे पॉजिटिव के साथ लगा दिया और नेगेटिव टर्मिनल मैंने यहाँ पे नेगेटिव के साथ लगा दिया। और ये जो चार्जर का पोटेंशियल है वो क्या होना चाहिए भाई, 4 वोल्ट के ज़्यादा होना चाहिए। अगर 4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगा तो करंट आपकी कैसे फ्लो होगी भाई, सेल में से फ्लो होगी, ठीक है। इसलिए आपका इसके करंट एसी जाएगी और यहाँ से एसी जाएगी, देखिए एक करंट आपकी एसी जाती है और ये जो सेल की करंट है ना वो एसी जाती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको चार्जर करना है तो ये जो ब्लू वाली करंट है उसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे एनर्जी दे दिया 5 वोल्ट, हमने यहाँ पे एनर्जी चार्जर को दे दिया 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट एनर्जी वो बैटरी को देगा, तो आपकी जो करंट है ना वो करंट पॉजिटिव में से नेगेटिव इनसाइड पास आउट वो कराएगा। पहले आपकी इनसाइड बैटरी की इनसाइड करंट कैसे फ्लो हो रही थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आउटसाइड में कैसे फ्लो हो रही थी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट जैसे ही आपने चार्जर को कनेक्ट कर दिया तो बैटरी के इनसाइड एक रिवर्स प्रोसेस होने लगी,
और ये जो आपकी जो बैटरी है वो एक सेकेंडरी टाइप की एक बैटरी है। आपने एक बैटरी का टू टाइप आपने आगे स्टडी किया हुआ था कि भाई प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। तो प्राइमरी से बैटरी क्या होती है कि भाई वन टाइम हमने उसका यूज़ कर लिया, देन आपने हमको एक डस्टबिन में उसको डाल देना है, हम उस पर रिचार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है कि भाई हम उसको रिचार्ज कर देते हैं। तो हमारी जो बैटरी है ना एक सेकेंडरी टाइप की बैटरी है, तो सेकेंडरी टाइप की बैटरी में आप इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल ऐसा यूज़ करें कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस हो सके, कि भाई ए वाली प्रोसेस तो हो गई डिचार्जिंग कंडीशन में, उसमें एनर्जी मिल गई, तो ना हम क्या करेंगे भाई उसको एनर्जी देंगे, ठीक है। तो ए वाली प्रोसेस हम रिवर्स कर देंगे। देखिए H2SO4 तो हमको मिलने वाला है, रिवर्स हम प्रोसेस किया, हमने रिवर्स किसकी प्रोसेस की, H2O प्लस SO4 माइनस 2, देन आफ्टर एक ऑक्सीजन होगा और हम उसको एनर्जी देंगे। हमने उसको एनर्जी दिया H2O वाटर को, SO4 को, तो उसने क्या बना दिया H2SO4, मीन्स के वापस हमको एक एसिड मिल गया, हमको एक वापस एक इलेक्ट्रोलाइट मिल गया, एक केमिकल हमको मिल गया, ठीक है। ओके, तो केमिकल्स में से हम पास मीन्स के फिर से हम जब हम यूज़ करेंगे तब उसकी एनर्जी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चलाया। तो ऐसे आपके पास चार्जर का जो पोटेंशियल होगा वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, बैटरी का पोटेंशियल से ज़्यादा होना चाहिए। तो ए वाली केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, उसका EMF कितना था भाई, 4 वोल्ट ही था, उसका EMF 4 वोल्ट का ही था, पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे क्या कर दिया, ज़्यादा कर दिया। तो ए वाली केस में क्या होगा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस इज मोर देन 2 इंड्यूस EMF। बट एक कौन सी केस में, चार्जिंग की केस में, ठीक है, यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग वाले केस में ए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और ओपन सर्किट कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस EMF दोनों की वैल्यू सेम। ए वाली केस में आपने देखी कि भाई ए वाली केस में आपकी दोनों की वैल्यू सेम होती है, ख्याल आया आपको। ओके, तो ऐसे आप उसको चार्ज करते हो, जब आप चार्ज करते हो ना तब उसकी पोटेंशियल की वैल्यू से आप ज़्यादा उसको एनर्जी देंगे तभी वो चार्ज होगा ना, ख्याल आया आपको। ओके, देन आप हमको क्या फाइंड आउट करना है कि भाई हमारा जो सेल है तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, भाई सेल का हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, हमारे पास एक इक्वेशन है कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस EMF का इक्वेशन जब और डिचार्ज होता है तब, ठीक है। इसमें से आपको R को सब्जेक्टिव बनाना है, तो हम क्या करेंगे IR को यहाँ पे ले आएंगे और E माइनस यहाँ पे V हो जाएगा, देन आफ्टर R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं E-V/I। एक करंट क्या होती है, करंट I इज इक्वल टू आप मिस के ये भी लिख सकते हो ना कि यहाँ पे I इज इक्वल टू V/R, कैसे कि V इज इक्वल टू IR, ये आपका ओम्स लॉ का इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि भाई आर इज इक्वल टू E-V/ हमने यहाँ पे लिख दिया V/R, तो ये R कहाँ पे चला जाएगा भाई, डिवाइड में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो R इज इक्वल टू आपको क्या मिला R E-V/V। ओके, तो ऐसा रिलेशनशिप आपको मिला, ध्यान पर हम V को क्या कर देते, सेपरेट दे देते, ठीक है। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा R into E-V/V, सो देट वन, तो ये आपका रिलेशनशिप आपको फाइनल हुआ, दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, चला है आपको। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का हम इसके एक फॉर्मूला फाइंड आउट हुआ, ये फॉर्मूला वापस हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन में, कि भाई पोटेंशियोमीटर से, पोटेंशियोमीटर का नाम का जो डिवाइस होता है वो डिवाइस तो नहीं है बट एक ओपन सर्किट कंडीशन है, ठीक है। तो ओपन सर्किट कंडीशन का हम यूज़ करके उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम निकालेंगे, तेना पर उसका EMF की वैल्यू भी हम निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने यहाँ पे हम इसका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया। ओके, तो नेक्स्ट, ओके, हमने ये जो इक्वेशन निकाला तो वो हमको इंटरनल रेजिस्टेंस हमको देता है। तेना पर आपको दूसरा क्या स्टडी करना है कि भाई आपने हाउस में, अपने हाउस में आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई AC या हमारा जो कोई एक हाई वोल्टेज वाली जो डिवाइस है हम स्टार्ट करेंगे तब हमारा जो लैम्प है, घर का जो लैम्प हमारा चालू था वो क्या हो रहा था, डिम हो रहा था, ऐसे क्यों हुआ। ये कोई NCERT का टॉपिक नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये सिस्टम कैसे होती है। आप सभी डिवाइस को एक सेम वोल्टेज दे रहे हो तब भी वो डिम फुल क्यों हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि भाई आपके जो पावर हाउस में है ना, तो पावर हाउस में से आपकी दो केबल आ रही है, ठीक है, आपकी एक दो केबल AC पैरेलल जा रही है ऐसे। ये दो केबल आपके गाँव में भी आएगी और आपके आपकी सिटी है तो सिटी में भी ऐसे दो आपकी केबल जाती है, ठीक है, और आप ऐसे एक वो पावर हाउस में से वो AC आएगी, ठीक है। ओके, तो उसका जो EMF होता है वो क्या होता है कि भाई E होता है, उसका EMF की वैल्यू E होती है। ओके, देना प्रॉब्लम क्या करते हैं कि भाई बीच में हमने एक लैम्प लगा दिया ऐसे, ये लैम्प को हमने पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दे दिया,
तेना पर हम क्या लगा देते, एक टीवी लगा देते ऐसे, तेना पर हमने क्या लगा दिया, एक फ्रिज लगा दिया ऐसे, तेना पर हमने यहाँ पे एक फैन लगा दिया, तेना पर हमने लास्ट में एक गीजर लगा दिया या एसी लगा दिया है, उसको हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस लोड, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ख्याल आया आपको? ओके। तो यहाँ पे जो आपके घर में जो बिजली आ रही है कि भाई उसका पोटेंशियल कितना होता है, 220 वोल्ट होता है या 240 वोल्ट होता है, ठीक है। बट हमारे जो सूरत सिटी में आ रही है वो उसका बिजके 220 होता है, ठीक है। ओके, तो 240 भी होता है जब वो पावर हाउस के जो नियर के एरिया है उसमें 240 हुए हो सकता है। 240 भी आपको अभी तक सपोज के समझना है, एक जो वाली प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसे होती है। ओके, तो हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है, जनरल हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वी इज इक्वल टू, हमने अभी निकाला कि भाई ई माइनस आई आर होता है, क्या होता है ई माइनस आई आर। ये जो केबल आती है ना, वो केबल एक हमारी पावर हाउस में से आ रही है, तो पावर हाउस तक, पावर हाउस से हमारी जो सिटी है उसका डिस्टेंस आप मान लीजिए सपोज के 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसकी जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर का भी इंटरनल रेजिस्टेंस को होता ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए वाली इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे, वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि हमारे जो कंडक्टर होती है तो कंडक्टर के पास भी एक इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है, तो इसलिए हम ए वाली इक्वेशन हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ओके, आप मानिए कि भाई पहले आपका जो करंट जा रहा है वो इसमें जा रहा है कि वो करंट जा रही है आई वन, ख्याल आया, और उसका पोटेंशियल भी कितना है वी वन उसका पोटेंशियल है। तो हम पहले वी वन फाइंड आउट करेंगे कि भाई वी वन इज इक्वल टू क्या होगा, ई माइनस आई वन आर, ख्याल आया, ई वन ई माइनस आई वन आर होगा। और उसकी वैल्यू हमने देखी थी भाई, उसकी वैल्यू हमको मिल रही थी 220 वोल्ट, हमको कितनी मिल रही थी 220 वोल्ट। तो हमारा जो लैंप है ना वो उसको पोटेंशियल मिल रहा था 220 वोल्ट। तेना पर हमने क्या किया कि भाई हमारा टीवी हमने चालू कर दिया, तो टीवी चालू कर दिया तो यहाँ से करंट जा रही है सपोज के आई टू जितनी, तो हम यहाँ पे कितनी करंट दे दे रहे हैं उसको, आई वन प्लस आई टू हमने दिया, तब उसमें आई वन भी गया और आई टू भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी करंट इंक्रीज हो गई, तो वी वन इज इक्वल टू ई माइनस आई वन प्लस आई टू इंटू आर। देखिए यहाँ पे कोई भी करंट की वैल्यू तो ज़्यादा होगी ना, आई वन प्लस आई टू करंट की वैल्यू तो यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो यहाँ पे जो आपका वी टू आपको मिलेगा वो वी टू आपको कम मिलेगा, यहाँ पे आपको वी टू मिला 250 वोल्ट। देना पर हमने क्या किया कि भाई हमारा रेफ्रिजरेटर हमने स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ से करंट जाएगी आई थ्री, तो आपने कितनी यहाँ पे करंट दी, आई थ्री करंट दे दिया, आई वन आई टू प्लस आई थ्री, तो यहाँ पे हमने थ्री पोटेंशियल, हमने पोटेंशियल ड्यू टू दी हमने रेफ्रिजरेटर, तीनों तीन हमारा चालू है, तो वी थ्री इज इक्वल टू हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिला आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, तो ये उससे भी कम हो जाएगा, चलाया, तो वो उसकी वैल्यू हो गई 210। तेना पर हमने क्या किया, ये फैन भी हमने चालू कर दिया, चला है ये वाला फैन भी हमने चालू कर दिया, तो इसमें से हमारा करंट जाएगा आई फोर, और यहाँ पे हमने करंट उसको दे दिया आई फोर, टोटल करंट हमारा आई वन आई टू आई थ्री और आर फोर था, ठीक है। तो उसका पोटेंशियल हम निकालेंगे ई माइनस आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री और प्लस आई फोर और इंटू आर, उसकी वजह हमने निकाली तो 205 वोल्ट हो गया। तेना पर जैसे ही हमने रेजिस्टेंस मीन्स के रेजिस्टेंस लोड हमने स्टार्ट किया, कोई एक रेफ्रिजरेटर आपका, रेफ्रिजरेटर तो आपका आ गया, बट आपकी कोई एसी और गीजर है उसको हमने स्टार्ट कर दिया और उसमें से करंट हो गई आई फाइव। आपने देखा जो आपका जो एसी होता है ना, तो एसी के एसी आपके करंट बहुत कंज्यूम कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई फाइव की वैल्यू आई फोर आई थ्री आई टू और आई वन से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई हमारा पोटेंशियल वी फाइव हमने फाइंड आउट किया, फाइनल पोटेंशियल, तो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री प्लस आई फोर प्लस आई फाइव इंटू आर, उसका हमने पोटेंशियल देखा तो 190 था। तो जब हमने लैंप स्टार्ट किया था तब उसका पोटेंशियल कितना था, 220 वोल्ट, और जब हमने सभी सारी जो हमारी होम की जो एम्प्लायंस है वो सभी को हमने स्टार्ट कर दिया, देना पर उसका पोटेंशियल कितना हो गया, 190 हो गया। तो वो लैंप क्या बोलेगा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है, चला है? पहले उसको मिल रहा था 220 वोल्ट और बाद में अभी मिल रहा है उसका 190, तो लैंप क्या हो जाएगा भाई, उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम हो गई, इसलिए लैंप क्या हो जाएगा भाई, डिम हो जाएगा। चला है आपको? ओके, तो ऐसे आपका 220 पहले मिल रहा था, बस बाद में मिल जाएगा 190 मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे इसका आपका सभी पोटेंशियल की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे घर की एम्प्लायंस में ऐसे होती है, ठीक है। ओके।